जंगली लोगों ने यज्ञ करना था और मनुष्य की बलि देने की परंपरा थी। यज्ञ की पूर्णाहुति में किसी आदमी को पकड़ लाओ, जड़ भरत को पकड़ के ले गए, नहलाया, जिलेबी खिलाई, कुल्ला करवाया, जंगली फूलों का हार पहनाया। अब उनकी बलि देनी है, लेकिन अनंत की प्रीति वाले की बलि दे तो माताजी कैसे चुप रहे? और महाकाली की मूर्ति थर थराई और उसमें से प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और वो गोपायमान काली ने इस अनंत की प्रीति करने वाले पुरुष की बलि मेरे यज्ञ में आएगी तो मैं कहां रहूंगी? बड़ा अपराध कर रहे हैं, भले मेरे भक्त हो लेकिन अनंत की प्रीति आत्म रस में मस्त ऐसे ब्रह्मज्ञानी की हत्या यहां होगी? तुम्हारा यज्ञ तो पूरा होना ही चाहिए, बलि तो होनी चाहिए, लेकिन अनंत की प्रीति वाले की बलि का अपराध तुम्हारा यही दंड के रूप में, तुम्हारे अपराध का दंड ही मिलेगा। मां ने वह तलवार छीन ली और जड़ भरत पर तलवार चलाने वाले का सिर यज्ञ में आहुति दे दिया। ऐसी कथाएं भी हमने सुनी। आपको अनंत की प्रीति है परमेश्वर की और आपकी कोई निंदा करता है, आपके लिए षड्यंत्र रचता है, खुफिया विभाग को कुछ का कुछ लिखता है, इनकम टैक्स विभाग को कुछ का कुछ लिखते हैं, एक दो व्यक्ति नहीं कुछ चंडाल चौकड़ी के ऐसे कुचक्र चलाने वाले मिलकर अनंत की प्रीति वाले का यश और वाहवाही देखकर सीबीआई विभाग को न जाने क्या क्या मनगढ़ंत लिखते हैं, एमपीओ को मनगढ़ंत लिखते हैं, एमएलओ को और आईएएस ऑफिसरों को लिखते हैं, पुलिस विभाग और दूसरे दूसरे संस्थाओं को न जाने क्या क्या नौ नौ पन्ने भरकर क्या क्या लिखते हैं, और वे लोग इनकम टैक्स वाले अपना जाल बिछा कर सारी चेकिंग कर लेते, सीबीआई वाले अपने ढंग से चेकिंग कर लेते हैं, एमपी और एमएलए लोग अपने ढंग से लोगों से पूछ पाछ के भाई क्या है, सारे के सारे लोगों को जिनको भगाया गया वे ही लोग अनंत की प्रीति वालों के भगत बनकर गुरु दक्षिणा लेकर मत्था टेकने को आ जाते हैं। ऐसे नहीं बाबा जी या बापू जी बने, कई खुफिया विभाग और कई एजेंसियां गहराई में जांच कर कर के जांच करने आए थे अपराध खोजने के लिए, लेकिन अपराध की जगह पर परमात्मा शांति और अनंत प्रीति ने उनके जीवन को भी कुछ अंश में निरअपराध ही बना दिया। गुरु पूनम की कतार में एक अच्छा कोई अधिकारी जैसा व्यक्ति मौका मिल गया, नजीक प्रणाम किया। हमने पूछा भाई आप कौन कहां से आए? बोले बाबूजी दिल्ली से आया अहमदाबाद में। मैं क्या क्या काम करते हैं? बोले बाबूजी मैं सीबीआई का फलाना फलाना पद पे, अच्छा ऊंचा पद पे। तो मैं क्या कैसे? बोले हम आए थे तो माफ करना जांच करने के लिए और आपके शिष्य भी बन गए झूठ मूठ में, लेकिन यहाँ जैसा जैसा अर्जियां थी असंतुष्ट लोगों का, जैसा जैसा जेलसी वालों का, जैसा जैसा कुछ लिखा था वो सब हमने जांच किया, लेकिन मिला तो हमको कुछ दूसरा। हम तो नकली चेले बनने को आए थे लेकिन असली बन गए, इसलिए गुरु पूनम को आए। ऐसे इनकम टैक्स विभाग वाले भी बेचारे कई तरह के उन्होंने जाल फैलाए चेकिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ तो जहाँ जाते हैं वहाँ समिति वाले आयोजन करते हैं, समिति वाले इतने बेचारे सज्जन होते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट, अथवा थोड़ा लॉस होता है तो अपनी जेब से निकाल के सारा मामला कर लेते और बच जाता है तो भंडारा भंडारा कर लेते। इतना सारा चलता है ये सब क्यों है? चलता है तो आके देखो खुली किताब है। आपकी अनंत की प्रीति हजारों हजारों शिकायतें करने वाले, हजारों हजारों जेलसी करने वाले लोग भी आपकी सचमुच में अनंत की प्रीति है तो वो बेचारे अपनी जगह पे रहेंगे, आपकी यात्रा चलती चली जाएगी, क्योंकि अनंत की प्रीति अनंत रक्षा करती है, अनंत सहायता करती है और अनंत रस देती है।
एक दो या चार पांच शत्रुओं से भिड़ते भिड़ते लोगों की जिंदगी पूरी हो जाती है, लेकिन अनंत की प्रीति करे और सारा संसार विरुद्ध में खड़ा हो जाए, फिर भी अनंत की प्रीति करने वाले महापुरुष पूज्य जाते हैं। सुकरात को जेलसी करने वाले लोगों ने कुछ षड्यंत्र रचकर जहर पिलाने की नौबत कर दी, सुकरात को संसार से रवाना कर दिया, लेकिन सुकरात का शरीर रवाना हुआ, सुकरात अभी भी साधकों और बुद्धिमानों की नजर से, महापुरुषों की दृष्टि से पूजे जाते हैं। जीसस को क्रॉस पे चढ़ा दिया दुष्ट लोगों ने, लेकिन जीसस को दुनिया जानती है। मैं इसलिए कहने जा रहा हूं कि आपको अगर पूरा सुख चाहिए, पूरा आनंद चाहिए, सदा के लिए सब दुखों का अंत करना चाहिए, तो आप में प्रीति करने की योग्यता है, और वो योग्यता आप अनंत के तरफ मोड़ने की कृपा करें, इसलिए मैं बताया जा रहा हूं। महावीर के यहां जहां भीड़ होती है, यहां संस्था होती है, आश्रम होता है, तो अच्छे बुरे लोग मिल ही जाते हैं। सज्जन लोग तो फायदा लेते हैं, लेकिन दुष्ट वृत्ति के लोग अपना काम करते हैं। तो ऐसा महावीर के संग में भी कुछ ऐसे लोग घुस गए थे, और महावीर के साथ साथ रहना, उठना, बैठना, अपने को शिष्य कहलाना, साधु कहलाना वो करने लगे, और महावीर को पता चला, और महावीर ने उनको रोका टोका, लेकिन वो भीतर से षड्यंत्र करते रहे, बाहर से उनके समर्पित शिष्य बनते रहे। आखिर उन षड्यंत्र करने वालों का जो मुखिया था, मेन व्यक्ति था, उसका नाम था गौशालक। महावीर ने उसको कहा, या तो तुम सुधर के चलो, या तो आश्रम से, मेरे संग से बाहर हो जाओ। वो तो तैयार था बाहर होने को। 500 साधुओं को लेकर महावीर के खिलाफ उसने काम किया। साधु रोटी तो धर्मादे की खाए, और रोटी से जो रस बने वो महावीर के खिलाफ लगाए। 500 साधुओं ने गोशालक के साथ मिलकर महावीर के प्रचार प्रसार अथवा महावीर की संस्था अथवा महावीर के प्रभाव की जड़ें काटने का काम किया। गोशालक और 500 निंदक उनसे मिल गए। वो कौन से नरक में सड़ते होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन महावीर को तो लाखों लाखों जैनी मानते हैं, करोड़ों करोड़ों जैनी मानते हैं, और मेरे श्रोता जानते हैं, क्योंकि महावीर के चित्त में अनंत की प्रीति थी। बुद्ध जहां रहते थे, जेतवन में वैश्या को भेज दिया जाता था। जैसे हरिद्वार बड़ा नगर है, और ये सप्त सरोवर थोड़ा दूरी पर हटकर है, ऐसे जेतवन जगह थी, तो वैश्या जेतवन से फिर नगर में आ जाती। लोग उनसे पूछते, क्यों आजकल दिखाई नहीं देती अपने अड्डे पर? बोले, मुझे बड़ा ग्राहक मिल गया है, जेतवन वाला बाबा, मैं उसी के बगीचे में जाती हूँ रात भर। ऐसे करते करते माँ बुद्ध भगवान के जो प्रशंसक थे, बुद्ध भगवान से जो लोग फायदा उठाते थे, तो जलने वाले लोग अपनी कमिटियां बनाकर अपना डिम डिम हाँकने के लिए बुद्ध पर लांछन लगवाने का षड्यंत्र करते थे, और वो षड्यंत्र में काफी अंश में सफल भी हो गए। वैसा बोलती थी कि अब मैंने अपना अड्डा बंद कर दिया, क्योंकि मुझे बड़ा ग्राहक मिल गया है, दिन को तो बाबा जी और रात को वो मेरा पिया है, मेरा साथी, और उसका कहने का ढंग, हिलचाल का ढंग ऐसा बना रखा कि बहुत सारे भगत बुद्ध भगवान से वंचित रह गए। निंदकों की बातें सुनकर वे भी डगमगा गए, कुछ तो निंदक बन गए, कुछ विरोधी सभा में जुड़ गए, और कुछ बोले अपना क्या, जो करेगा वो भरेगा। आखिर बात बढ़ती चली गई, लेकिन बुद्ध को समझने वाले सत शिष्यों ने अल्लाह गुल्ला किया कि ये झूठी अफवाह है।